खड़े हो जाओ। ट्रांसफॉर्म योर स्पेस विद एलिगेंस एंड स्टाइल। द टाइल्स स्टोर भिवंडी पर आपको टाइल्स के बेस्ट और सिलेक्टेड डिजाइन मिलेंगे, जिससे आप अपने घर, शॉप और ऑफिस की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। क्लासिक से लेकर ट्रेंडिंग डिजाइन सब कुछ अवेलेबल है। विजिट जरूर करें, यहां आपको रीजनेबल प्राइस और बल्क बायर्स के लिए बड़े डिस्काउंट्स भी मिलेंगे विद ऑल इंडिया डिलीवरी सर्विस। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है राजीव गांधी उड़ान पुल से, जब उतरेंगे कमला होटल के पास। यहाँ पे देखिए पीछे किस तरह से पूरे खड्डे थे रोड पर और आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। और हमने यहाँ पर ये देखा भिवंडी के जो आरटीओ वाले हैं, मैं कहूँगा जरा इधर आने के लिए, ये देखिए भिवंडी के जो आरटीओ के लोग हैं वो यहाँ पर गड्ढा बुझाते हुए दिखाई दे रहे। देखिए वार्डन लोग भी लगे हुए, आरटीओ वाले भी लगे हुए हैं और यहाँ पर खड्डा बुझाने का काम कर रहे हैं। देखिए काफ़ी गहरा, जो एक एक आधे आधे फीट का जो खड्डा था वो यहाँ पर था। और फिलहाल यहाँ पर महानगर पालिका का काम, यहाँ के इधर दिखाने के लिए कहूँगा, यहाँ के जो आरटीओ वाले हैं वो और रिक्शा यूनियन के भी कुछ लोग यहाँ पर इनके साथ में जुड़े हुए हैं। देखिए किस तरह से आरटीओ वाले और भिवंडी रिक्शा यूनियन के कुछ लोग जो यहाँ पर इस खड्डे को बुझाने में लगेंगे वाले हैं, इनसे ज़रा पूछेंगे आप लोग को कैसे पता चला कि यहाँ पर खड्डा बुझाना चाहिए। हमने निवेदन देने गए तहसीलदार ऑफिस, जो रिक्शा का जो पासिंग का दंड है 50 रुपये डेली, उस तालुक से गए और जो ट्रैफिक जाम हो रही है उसके लिए मनीष पाटिल सर के पास हमने तकरार लेके गए। तो जाने के बाद पता चला कि वाहतूक पुलिस ने ये काम लिया अपने हाथ में। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, भिवंडी महानगर पालिका इतनी बेशरम है, इनको जर्रा बराबर की भी शर्म नहीं आती। इनको अफसोस, मेरे को अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसी बेशरम महानगर पालिका मैं पूरे महाराष्ट्र में नहीं देखा कि वाहतूक पुलिस को और रिक्शा वालों को रोड पे उतर के आज खड्डे बुझाना पड़ रहा है। अभी शर्म आएंगी कि नहीं आएंगी वो कल से मालूम पड़ेगा। अगर वो बेशरम है तो नहीं आएंगे कल से, अगर वो वाकई में बेशरम होंगे तो कल से भी नहीं आएंगे। और सिर्फ उनके पास बजट नहीं रहता, बाकी हर चीज़ के लिए उनके पास बजट रहता है, रोड रिपेयरिंग के लिए, गटर बनाने के लिए, इन्हें वाहतूक का नियम की सुविधा करके देने के लिए कोई बजट नहीं रहता, उनको हर सुविधा पूरी करने के लिए बजट रहता है। तो मैं इनको एक नंबर की चोर, भ्रष्टाचार और हरामखोर महानगर पालिका घोषित करता हूँ। भाई चलो आम जनता का यहाँ के रहने वाले, कहाँ रहते हैं आप? भाई मेरी दुकान है सामने, वही रहता हूँ। इससे ज्यादा बड़ा गड्ढा हुआ? अच्छा, इससे बड़ा गड्ढा हुआ है। हाँ, 1.5 फुट का होगा कम से कम गहरा। हो तो महानगर पालिका गड्ढे बुझा नहीं रही है। 16 जन गिरे हैं आज, 7-8 जन गिरे हैं उसमें। हम लोग प्लास्टिक लगा दिए थे, इसके लिए थोड़ा कम हो गया। ठीक 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 ठीक। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा जरा मेरे साथ आने के लिए। ये देखिए यहाँ पर जो रिक्शा यूनियन के जो अध्यक्ष है वो भी लगे हुए हैं, पुलिस के अधिकारी जो है वो भी लगे हुए हैं। और मैं कहूँगा इस तरफ आने के लिए, ये देखिए यहाँ पर आया, एक मिनट। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये ब्लॉक जो रखा हुआ है ये महानगर पालिका ने ला के रखा हुआ था और आगे जो है रैबिट भी महानगर पालिका ने ला के रखी हुई थी, मगर उनके पास कर्मचारी नहीं है कि वो रैबिट जो है या ब्लॉक जो है यहाँ पे ला के लगा सके। यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा खड्डे हो रहे थे, जिसको देखते हुए महानगर पालिका के लोग यहाँ पर खड्डे पर उतर कर बुझाने का काम किए। फिलहाल जो है यातायात यहाँ पर शुरू हो चुकी है, अब हम आगे चलेंगे। हमें यहाँ के स्थानिकों ने बताया कि इसके आगे जो है खड्डा इससे बड़ा है और काफ़ी गहरा खड्डा है, महानगर पालिका उस पर भी किसी तरह का ध्यान नहीं दे रही है। आप देखिए जब रोड के आगे जब आएंगे तो ये रोड जो है पूरी तरह से खाली है। और आगे देखिए यहाँ पर दिखाना चाहूँगा मैं ये देखिए यहाँ पर, वो देखिए वहाँ देखिए कितना किस तरह से यहाँ पर खड्डे में लोग गिर रहे हैं। और ये देखिए खड्डा यहाँ पर, ये देखिए खड्डा आप, ये देखिए 16 जन कल गिरे, 8 जन आज गिरे, हम लोग उठा के तंगे लगे तो उसका वीडियो फोटो गुजर रहे मेरे भाई के पास। आप लोग 1.5 फुट गड्ढा होगा, ज्यादा होगा। देखो गड्ढा है, देखो अब अचानक आके इधर गिर जाता है, इधर ये वट्टा बना है पूरा। ये देखिए ये चालू रोड है, मैं कहूँगा इधर से दिखाने के लिए, इस तरफ से दिखाइए, यहाँ से सब बाइक आ रही है। और ये
ये देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर सिर्फ कमेंट करके जाते हैं और दिखाया इन्होंने कि कितना खड्डा है। और इस तरफ देखिए यहाँ पर भी पूरा खड्डा है। ये आगे आइए आगे आइए, आवाज से वीडियो फोटो देखना है। 16 जन इसमें कल गिरे हैं, 16 जन, हाँ 6-7 जन आज गिरे हैं। हम लोगों प्लास्टिक लगाए थे, इधर रास्ता रोक दिए थे, इतना गड्ढा इसके लिए गिर जाते हैं। इधर कल आप लोग इसको बंद करे थे टेम्पररी, वो प्लास्टिक का कागज लगाए गए इधर, ऐसा किधर मत आओ, वो कोई उठा के फेंक दिया। इधर आइए इधर आइए, ये देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा खड्डा एक है। इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ, काफी बड़ा खड्डा है यहाँ पर, जिसे यहाँ के ये देखिए ये देखिए ये देखिए रिक्शे का पूरा टायर जो है इस खड्डे में गिर गया था। अरे वाह, देखिए ये देखिए, देखा आपने किस तरह से यहाँ पर महानगर पालिका की एक बड़ी लापरवाही इस पूरे रोड पर दिखते जा रही है। ये ब्लॉक देखिए, यहाँ पर जो ब्लॉक है वो पूरी तरह से टूट चुका है। फिलहाल हम आए थे यहाँ पर ये देखने के लिए कि खड्डे की स्थिति क्या है। हमने यहाँ पर देखा कि महानगर पालिका की लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसे RTO यहाँ के भिवंडी के RTO और रिक्शा यूनियन के कुछ लोग मिलकर इस खड्डे को बुझाने का काम कर रहे थे। और ये भी देखा हमने कि महानगर पालिका ने ब्लॉक और उसके अलावा जो है रैबिट जो है यहाँ पर ला के रखा हुआ था, मगर उनके पास अधिकारी नहीं थे। और हम जब ये रिपोर्ट बना रहे हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग हमें कमेंट करके जा रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होता। तो भिवंडी शहर के लोग आप देख सकते हैं किस तरह से सोए हुए लोग हैं, हमें यहाँ पर बाइक पर कमेंट करके जा रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होता, न्यूज़ बनाने से कुछ नहीं होता। आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी जो न्यूज़ बनाते हैं इससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। हमें बहुत ख़राब लगता है जब इस तरह के लोग हमें कमेंट करके जाते हैं कि ये सब करने से कुछ नहीं होता।